हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वाली UPS में अल्टीमेट बैटरी बैकअप हैक करेंगे। तो इसमें जो बैटरी लगा होता है ये 700-800 रुपया दाम है इसका, लेकिन बैकअप देता है 10 मिनट जैसा। लेकिन आज जो बैटरी हम लगाने जा रहे हैं उसमें खर्चा आएगा हमारा 400 रुपया और ये बैकअप देगा 6 से 7 घंटा और इन द बेस्ट केस 8.5 घंटा। तो भाई साहब वो बैटरी है क्या, जान के आप हैरान होंगे, वो है ये वाली बैटरी। तो भाई आप गाली देने जा रहे हो क्योंकि ये बैटरी 4000 में भी नहीं मिलेगा, तो मैं 400 में बोल रहा हूँ। तो भाई रुक जाओ थोड़ा सा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो में फेक क्लेम नहीं करता हूँ। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कैसे इसको 400 में लाना है। उससे पहले बात करते हैं कि इसमें इतनी बड़ी बैटरी को इंस्टॉल कैसे करें, आप चार्जिंग कैसे करेंगे। तो मैंने पहले भी ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश किया, लेकिन उस टाइम मैंने पतला वायर लगाया था इसलिए ये चला नहीं। अब हम लगाएंगे मोटा वायर, क्योंकि इसमें जो करंट जाने वाली है 10 से 20 एम्पियर तक करंट जाएगा। तो अगर पतला वायर इस्तेमाल करते हैं तो 1 या 2 वोल्ट अगर वायर में लॉस हो जाता है तो लो बैटरी के थ्रेशोल्ड के नीचे सर्किट को वोल्टेज मिलता है तो सर्किट ऑफ हो जाता है। तो आज मैं यूज कर रहा हूँ 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर का वायर। तो ये वायर आप डबल इस्तेमाल करने से बेहतर होगा, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा लेंथ है नहीं इसलिए मैं सिंगल तार ही इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास ये वायर नहीं है तो आप 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर का 4 वायर एक साथ लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आज जो बैटरी लगाऊंगा इससे ये UPS 8 से 9 घंटा चलेगा। तो उतना टाइम लगातार चलने के लिए इस UPS को ऐसे नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसमें हीट सिंक काफ़ी छोटा है तो ये हीट होगा ज़्यादा। तो इसके लिए इसके अंदर हमें कुछ फैन वगैरह लगाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर हीट उतना पैदा ना हो और ये ख़राब ना हो। इसलिए हम यूज करेंगे एक CPU की फ़ैन। तो इस फैन से थोड़ा थोड़ा सा एयर फ्लो इसके अंदर होता रहेगा और जो हीट है इसके अंदर से एस्केप करेगा, वो साइड में जो वेंट दिया गया है उसमें थोड़ा थोड़ा सा एयर एस्केप करेगा। अब हम बात करते हैं इस फैन को लगाए कैसे, क्योंकि बैटरी इसके साथ हमेशा लगा हुआ रहेगा। अब दोस्तों इस फैन को कई ऐसी जगह लगाना होगा जहाँ पे ये स्विच को दबाने से फैन चले। ओके, तो इस स्विच में कैसा वोल्टेज आ रहा है वो हम देखेंगे। तो इस स्विच का ये वाला जो पॉइंट है इसमें हमेशा 12 वोल्ट रहता है, चाहे आपका UPS ऑन हो या फिर ऑफ हो। और जो मिडिल वाला टर्मिनल है इसमें जब आपका UPS ऑन है तभी 12 वोल्ट मिलता है। देखिए मैं ऑन किया तो 12 वोल्ट मिला। तो इसी पॉइंट में हमें जो पंखा है उसको लगाना होगा, तब हम UPS को ऑन करने से वो चलेगा पंखा। अब इसके कनेक्शन देखिए, इसमें 3 वायर मिलता है हमें, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो यहाँ पर जो येलो वायर है ये होता है पॉजिटिव 12 वोल्ट का लाइन, और जो ब्लैक है वो नेगेटिव है, मतलब कि इन दोनों में हम पावर देंगे। और जो एक्स्ट्रा वायर है ग्रीन वायर, इसको हमें नहीं चाहिए। ये स्पीड कंट्रोल या फिर कोई सेंसिंग के लिए दिया जाता है मदरबोर्ड के लिए, हमें ये नहीं चाहिए। ओके, मैंने इसको लगा दिया। जो माइनस है उसको बैटरी का माइनस के साथ, और जो प्लस है वो इस स्विच का मिडिल वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया। तो इस तरह से हम अगर स्विच को दबाते हैं, मतलब कि इसको ऑन करते हैं, तो पंखा भी ऑन हो जाएगा और इसको ऑफ करने से पंखा भी आपका ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो छोटा छोटा वायर है बैटरी के लिए इनको निकाल देंगे, और जो हमारा लंबा वायर है उसको यहाँ पर लगा देंगे। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो होने वाली है इसलिए हमें जो सोल्डरिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत टाइट कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर लूज है उसमें वोल्टेज लॉस्ट हो जाएगी और हमारा बैटरी बैकअप कम हो जाएगी, क्योंकि अगर वोल्टेज कुछ लॉस्ट हुआ तो सर्किट को कम वोल्टेज मिलेगा तो वो बैटरी ख़त्म होने से पहले ही सर्किट काट हो जाएगा। तो अब हम ब्लैक तार को भी ऐसे ही सोल्डरिंग कर लेंगे जैसे रेड तार को किया था, और इस जगह पे पेस्ट देना आपको मैंडेटरी है, क्योंकि पेस्ट अगर आप अच्छे से देंगे तो अच्छे से आपका सोल्डर मेल्ट होगा और अच्छे से ये सोल्डरिंग बनेगी। तो पेस्ट आप ज़रूर यूज करना। तो मैंने पीछे एक छेद बना के 2 तार को इंस्टॉल कर दिया इसमें। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा 2 तार के लिए 2 अलग अलग छेद बनाना, तो उसमें क्या होगा 2 तार आपस में कनेक्ट हो जाने का चांसेस 0 हो जाएगी। अगर ये आपस में कनेक्ट हो जाता है तो काफ़ी हाई करंट जाने वाली है और ये तार जल जाएगा और आपका घर को भी जला सकता है ये। और इस पंखा को कुछ इस जगह पे फिट करके हम इसकी कैबिनेट को लगा देंगे फाइनली। अब इसकी बैटरी में तार लगाएंगे, उससे पहले आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो प्लस और माइनस लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रख के करना पड़ेगा। कोई भी सर्किट हो, ओनली UPS नहीं, कोई भी सर्किट हो, प्लस माइनस आप गलत मत करना, क्योंकि इसमें अगर आप गलत कर देते हैं तो आपका UPS 100% ख़राब हो जाएगी, नो मार्सी आपके लिए, और वो ऐसा ख़राब होगा वो नॉन रिपेयरेबल डैमेज, मतलब कि पूरा डेड हो जाएगा। तो इसलिए आप ये चीज़ देखकर काम करना, गलती से भी उल्टा मत लगाना। अब दोस्तों हम फास्ट टेस्टिंग करते हैं एक 100 वाट बल्ब से। तो ये देखिए बल्ब हमारा जल चुका है और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और पंखा भी घूम रहा है।
अब देखते हैं वायर में कितना वोल्टेज हमारा लॉस हो रहा है। तो इस पॉइंट और उस सर्किट के बीच हम रेड तार की लॉस मापते हैं। तो इसमें मीटर को देंगे 200 मिली वोल्ट ऑप्शन में, और एक तार हमारा बैटरी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा तार को हम सर्किट के एंड में देखते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि 127 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है एक तार में। तो दो तार में 250 मिली वोल्ट, मतलब कि 0.25 वोल्ट लॉस्ट हो रहा है। इसका मतलब जो है बैटरी का वोल्टेज लो वोल्टेज थ्रेशोल्ड से 0.25 वोल्ट के ऊपर ये लो बैटरी इंडिकेट करेगा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.25 काफ़ी कम होता है। अगर उससे अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो आप ये तार डबल करके लगाना। अब दोस्तों ये कंप्यूटर मैंने चला दिया उसी बैटरी से। तो यहाँ पर देखिए ये बैटरी इस जगह पे मैंने फिटिंग कर दिया इसको, और ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है विदाउट ए प्रॉब्लम। अब दोस्तों इसको पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये जो कनेक्शन है दोस्तों ये है मेरा कांच का कंप्यूटर। तो ये अगर आपको पसंद आया या फिर फनी लगा, जो भी है, इसका वीडियो चैनल पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने इसमें एक्चुअल कैबिनेट नहीं लगाया, कांच के अंदर इंस्टॉल किया, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स काम करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए फैन कैसे घूम रहा है, तो ये सब देखना अच्छा लगता है। अब दोस्तों हम इस तार के साथ एक फ्यूज लगाएंगे, तो ये होगा एक वीक पॉइंट। तो ये एक पतला वायर मैं लगा रहा हूँ इसके साथ, क्योंकि अगर यूपीएस के अंदर कोई भी सर्किट शॉर्ट हो जाता है, मतलब कि मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट हो जाता है, तो ये तार को जला सकता है, पूरा फुल शॉर्ट अगर हो जाता है। तो इसलिए हम पूरा तार को जलने नहीं देंगे, एक वीक पॉइंट रखेंगे, तो वो पॉइंट जल के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो अगर पूरा तार आपका जल जाता तो आपका घर भी जल सकता है इससे, तो ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाएगा, इसलिए मैंने फ्यूज लगाया। अब इस फ्यूज को हम सोल्डरिंग कर देंगे ताकि टाइट कॉन्टैक्ट बने और इसमें जो वोल्टेज लॉस्ट है वो कम हो। अब इसका वोल्टेज लॉस्ट देख लेते हैं। जब नो लोड में है तो 6 मिली वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इसमें, और जब 100 वाट की लोड दिया जाता है तो लगभग 50 मिली वोल्ट का ड्रॉप इसमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि इससे हम वाट भी मेजर कर सकते हैं। तो ये ड्रॉप मेजर करके हम देख सकते हैं जितना ड्रॉप हुआ उसके डबल वाट हमारा डिसिपेट हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप इस बैटरी में गलती से हाथ देके शॉक खा के मर जाएंगे। तो वो आपको बताने से पहले आपको बता दूं कि इस बैटरी को कैसे 400 रुपये में ख़रीदा जाए। तो ये होता है ई रिक्शा का बैटरी। तो ई रिक्शा आपको पता ही होगा, इसके अंदर चार बैटरियाँ सीरीज में रहती है, 48 वोल्ट का सिस्टम होता है। तो उसमें अगर एक या दो बैटरी ख़राब हो जाता है तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो उसमें जो अच्छा अच्छा बैटरीज है वो भी चेंज कर देता है वो, क्योंकि वो सेट में लगा देता है, पूरा सेट चेंज करता है। तो उसके अंदर से आप कोई अच्छा बैटरी ले सकते हैं और उसका बैकअप अच्छा रहेगा। तो आपको ई रिक्शा की शोरूम या फिर रिपेयरिंग सेंटर में जाइए, वहाँ पर आप बोलिए कि मेरे को स्क्रैप बैटरी चाहिए ई रिक्शा का, जो पुराना यानी चेंज किया हुआ बैटरी हमें चाहिए, तो वो लोग आपको केजी के हिसाब से देगा ये, क्योंकि ये केजी के हिसाब से ही बिकता है पुराना जो स्क्रैप बैटरियाँ होती है। तो ये मेरे को मिला है 2400 रुपये में। तो आप बोलेंगे भाई 400 कैसे? तो इसको मैं जब यूज कर लूँगा, पूरा ख़त्म कर लूँगा, मतलब ये डेड हो जाएगा और इसका कैपेसिटी कुछ बची नहीं रहेगी, तब भी मैं अगर रिटर्न करने जाऊँ इसको, मेरे को 2000 रुपये वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये तब भी स्क्रैप बैटरी की तरह ही माना जाएगा और उसी रेट में ये बिकेगा। तो मेरा 2000 रुपया इसमें बैंक की तरह जमा है और 400 रुपया खर्च हो रहा है। अब दोस्तों बताते हैं इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे किया जाए। तो अगर ऐसे करंट आता है आपका बैटरी में, तो इसका मतलब है आपका प्लग में जो लाइव और न्यूट्रल है वो उल्टा तरफ है, तो इसको आपको घुमाना पड़ेगा। तो आप वायरिंग में चेंज कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब इसमें लाइन नहीं है, अब इसमें हम हाथ दे सकते हैं विदाउट ए प्रॉब्लम। अब दोस्तों इस यूपीएस के अंदर से जो चार्जिंग करंट आता है वो हमेशा 1 एम्पियर के नीचे रहता है। तो इससे आप उम्मीद मत रखना कि इससे आप इसको चार्ज कर पाएंगे, कुछ महीनों लग जाएंगे। तो मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने इस चार्जर को बनाया था, ये 10 एम्पियर तक बैटरी को चार्ज कर सकता है। ये मैंने कंप्यूटर की SMPS से बनाया, तो ये चीज़ कंप्यूटर रिपेयरिंग दुकान में पुराना 250 रुपये में मिल जाएगा। और ये जो नॉब है घुमाने वाला, ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखाया, तो हो सकता है फ्यूचर में मैं दिखाऊं, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहना। अब हम इसकी बैकअप के बारे में बात करते हैं। तो मेरा स्टॉपवॉच खोलेंगे, पिछले वाला जो बैकअप मैंने टेस्ट किया था उसका रीडिंग ये है, 8 घंटा 29 मिनट, मतलब कि 8.5 घंटा बैकअप दिया था। तो मैं भी लिटरली शॉक हो गया, आज भी मैं टेस्ट करता था लेकिन उतना टाइम मेरे पास नहीं है 8.5 घंटा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो आप मेरे बात पर भरोसा रखिए और आप एक स्क्रैप बैटरी लाइए, आपको हो सकता है सबसे वर्स्ट केस में 4 घंटा बैकअप तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आपका बैटरी अच्छा है मेरी तरह 8 घंटा के बैकअप भी दे देगा ये। और मेरा कंप्यूटर का जो कंसम्पशन है वो 100 वाट के आसपास है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस तरह के वीडियोज और देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।